अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नासरीन लाइफ विद मच मोर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेमस हैदराबादी बघारे बैगन। तो सबसे पहले हमने बॉल में पानी ले लिया है और एक स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर लिया है। यहाँ पे हम बैगन को ऊपर की उसकी डंडी काट लेंगे और उसमें ऐसे हम दो कट लगा लेंगे। हमें आर पार नहीं करना है, बस ऐसे ही दो कट लगाना है और चेक कर लीजिए कि बैगन में कोई कीड़ ना रहे। और उसके बाद आप इसे पानी में डाल लीजिए। हमने नमक का पानी इसीलिए लिया है ताकि बैगन जो है काले ना हो और कसाले ना पड़े। आप सारे बैगन को ऐसे ही काट लीजिए, ऊपर से थोड़ा थोड़ा हल्का सा घिस लीजिए ताकि उसका ब्लैकपन जो रहता है वो निकल जाए। हमने सारे बैगन को ऐसे ही सेम प्रोसीजर में काट लिया है और इसको हम पानी में रख देंगे। इसको पानी में छोड़ दे ऐसे ही। यहाँ पे एक पैन ले, पैन में हमने मूंगफली ली है, मूंगफली हमने 1/4 कप ली है यहाँ पे। अब हम इसको भून लेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे तब तक ऊपर का थोड़ा सा कवर ना निकलने लगे। यहाँ पे हमने मूंगफली निकाल ली है और तिल हमने डाल लिया है। हमने तिल भी सेम क्वांटिटी में ली है। आप तिल को भून लीजिए। हैदराबादी फेमस बघारे बैगन बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिए। इस प्रोसीजर में बनाकर ज़रूर देखिए। यहाँ पे हमने तिल निकाल ली है। यहाँ हम पैन में खोपरा ले लेंगे और खोपरे को हम भून लेंगे। यहाँ पे मेरे पास खोपरा थोड़ा भुना हुआ था तो बस मैं इसे थोड़ा सा सेक लूँगी। अगर आपके पास कच्चा खोपरा है तो आप ऐसे ही ब्राउन कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने तक इसे भून लीजिए। खोपरे को भी आप भून कर निकाल लीजिए। एक बार ज़रूर ट्राई करिए आप, ये बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ पे हमने पैन में 1 स्पून तेल ऐड कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ का हमने रफली प्याज कट करके ले लिया था। अब हम इसको भी भून लेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है तब तक प्याज नरम नहीं हो जाती और प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज को ऐसे ही हाथ चलाते हुए आप भून कर ले लीजिए और इसका कलर चेंज होने तक ऐसे ही इसे पकाइए। यहाँ पे हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया था, हमने इसे ठंडा करने के लिए रखा है। अब हम सारे मसालों को एक साथ पीस लेंगे। हमने गैस ऑफ कर दिया था और जब भी आप मसाले भुने तो ध्यान रहे कि मसाले आपके गर्म ना हों। प्याज बिल्कुल ठंडी करके ही आप पीसिए। हम सारे मसालों को एक साथ पीस लेंगे। यहाँ पे हमने फली का ऊपर का कवर निकाल लिया था और थोड़ा थोड़ा ऐसे ही छोड़ दिया था। आप इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए। देखिए हमने ऐसा पेस्ट बना लिया है, थिक पेस्ट बनाना है, ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है। यहाँ पे हमने बॉल लिया है, बॉल में इमली ली है और उसको हमने धोकर भिगोने के लिए रख दिया है। यहाँ इमली और हमारा पेस्ट रेडी है। हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 5 टेबल स्पून हमने तेल ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे। 2 स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। तेल गर्म होने के बाद ही आप डालिए। यहाँ पे हमने ज़ीरा और कड़ी पत्ता, बस हमें 2 ही चीज़ें ऐड करनी है, हमें कुछ और ज़्यादा नहीं डालना है। जब आपका तड़का ब्राउन हो जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिए। हमने गैस को ऑफ कर लिया है और हम जो बैगन पानी में रखे थे उसको भी हम निकाल लेंगे और धीरे से हम इसमें डाल लेंगे। देखिए गैस की फ्लेम आप ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी, अभी मैं जब बैगन डालूँगी तभी इसका गैस मैं ऑन कर दूँगी। अभी आप गैस को ऑन करते के ऐसे ही इसको चला लीजिए। देखिए जैसा हम तेल में इसको बैगन को डाले इसका कलर ही चेंज हो गया है तुरंत। अभी अब आए इसमें 1 स्पून 1.5 स्पून आप यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिए। थोड़ा बैगन को भूनने के बाद यहाँ देखिए थोड़ा सा बैगन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे 1.5 स्पून और थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। आप इस मेथड में बनाकर देखिए, ज़रूर आपको रेसिपी पसंद आएगी और घर में सबको पसंद आएगी। अब हम इसको थोड़ा सा भून लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1.5 स्पून, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और हमने यहाँ पे 1.5 स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। 1 स्पून हमने धनिया और ज़ीरा का पाउडर ऐड किया है और 1/2 स्पून हमने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। अब ये मसालों को आप
मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लीजिए। आप हाई फ्लेम ना करिए ताकि जो मसाले हम डालें वो जल जाए। अब यहाँ पे जो पेस्ट हमने बना कर रखा था इसको आप इसमें ऐड कर लीजिए, और जो मिक्सर में आपने पीसा है उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। पानी डालकर उसमें का भी पानी इसमें ऐड कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे सिम पे ही पकाना है। आप इसको भून लीजिए और इसे ढककर रख लीजिए। इसे हमें 10 मिनट तक ढककर रखना है। ऐसे ढककर पका लीजिए। देखिए 10 मिनट के बाद हमने चेक किया है, थोड़ा सा तेल ओवरलैप हो गया है, लेकिन हमें इसे और थोड़ा पकाने की ज़रूरत है। मसाले का कलर भी चेंज होना चाहिए और तेल भी ऊपर आ जाना चाहिए सरफेस पे। आप जो मसाले ऐड करें आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ऐड कर लीजिए। मसाले की स्मेल भी हमें पूरी ख़त्म होने तक इसे पकाना है। देखिए हमने ऐसे ही इसे पकाया है, 15-20 मिनट तक हमने इसे ऐसे ही पकाया है। और ध्यान रखिए, चलाते रहिए, स्पून चलाते रहिए ताकि नीचे ना पकड़ ले। हमने ऐसे ही करके 3-4 बार हमने ढककर इसे पकाया है, तब तक के तेल ऊपर नहीं आता और मसाले की क्वांटिटी थोड़ी कम नहीं हो जाती और मसाले की स्मेल कम नहीं हो जाती। हमने इसे ऐसे ही पका कर लिया है। देखिए बैगन भी अच्छे से गल गए हैं हमारे, बहुत ही टेस्टी होता है, आप ज़रूर बनाकर देखिए। यहाँ पे हमने जो इमली भिगो कर रखी थी हम इसका जूस निकाल लेंगे ऐसे हाथ की मदद से। आप अच्छा सा इसका पूरा जूस निकाल लीजिए और जो इमली इसमें है वो अलग से निकाल कर फेंक दीजिए। यहाँ पे आप रेडीमेड जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही हमारे पास था तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। अब आप ये जो इमली है इसे निकाल लीजिए। अब इसमें आप ऐड कर लीजिए। देखिए तेल ओवरलैप हो रहा है, सालन हमारा बन गया है बघारे बैगन का। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे इमली का जूस और हम इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हम 3-4 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे। यहाँ पे हमने हरी मिर्च और धनिया ऐड कर लिया है। अब हम इसको ढककर रख लेंगे। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जब आप इमली का खट्टा डालें तो इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसे सर्व करिए रोटी और चावल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।